नमस्कार, मैं योगेश तिवारी, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वही रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। तो गोरखपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जो आईजीएम के वार्षिक उत्सव परंपरा 2023 का आगाज किया गया है। आपको बता दें कि संस्थान के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर इसका आगाज किया है। इसके साथ इस बार परंपरा 2023 की टीम रखी गई है सांस्कृतिक धरोहर। संस्थान के छात्रों प्रस्तुत लौट किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके साथ ही गोरखपुर के आईजीएम में वार्षिक उत्सव मनाया गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां पर संस्थान के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया है। वही इस बार परंपरा 2023 की सांस्कृतिक धरोहर टीम रखी गई। इसके साथ ही संस्थान के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही गोरखपुर के आईजीएम में वार्षिक उत्सव मनाया गया है। बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार ने परिवहन निगम कर्मियों को सौगात दी है। आपको बता दें कि परिवहन निगम कर्मियों को होली पर यह सौगात दी गई। इसके साथ ही चालक परिचालक कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। 3 मार्च से 12 मार्च तक बसों का विशेष संचालन भी किया जाएगा। वही 10 दिन में 3000 की विमेश्वर बस चलाने पर यह मानदेय दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर परिवहन निगम कर्मियों को होली पर सौगात दी गई है। चालक परिचालक कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि 3 मार्च से 12 मार्च तक बसों का विशेष संचालन होगा। वहीं 10 दिन में 3000 किलोमीटर बस चलाने पर मानदेय दिया जाएगा। एक और खबर आने लगने में, जहां पर निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम पालिका परिषद अधिनियम में संशोधन होगा। इसके साथ ही जल्दी कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की भी तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव पास होने से सीटों का आरक्षण बदल जाएगा। बताते चले कि एचसी के आदेश पर गठित आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है। वह इस रिपोर्ट को जल्दी मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। इसके आधार पर शिक्षकों की हिस्सेदारी भी तय की जाएगी। वही एचसी ने सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया था। बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां पर परेड के दौरान स्क्वाड ड्रिल का रिहर्सल किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में यह रिहर्सल हुआ। वहीं एसएसपी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसी के साथ शौचालय और कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया है इन्होंने। बता दें कि परेड के दौरान एसपी सिटी एसपी ग्रामीण लोग वहां पर मौजूद रहे। बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां पर परेड के दौरान स्क्वाड ड्रिल का रिहर्सल किया गया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में यह रिहर्सल किया गया है। वही एसएसपी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही शौचालय और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया है। परेड के दौरान एसपी सिटी एसपी ग्रामीण भी वहां पर मौजूद रहे। कानपुर से बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पर इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर की कार्रवाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में इरफान सोलंकी की संपत्तियां सील की जाएंगी। आज सील की जाएंगी इरफान सोलंकी की संपत्तियां। इसके साथ ही बिना मुनादी सीलिंग की कार्रवाई कराई जाएगी। सीधे काला डाल नोटिस को चस्पा किया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर की कार्रवाई का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि गाजियाबाद में इरफान सोलंकी की सभी संपत्तियां सील कर दी जाएंगी। इसके साथ ही आज ही इनकी जो संपत्तियां थी वो सील कर दी जाएंगी। बिना मुनादी सीलिंग की कार्रवाई कराई जाएगी। आपको बता दें कि सीधे ताला डालकर नोटिस को चस्पा किया जाएगा।